दिस वन ओ माय गॉड गाइस 5 लाख युआन का ये ड्रोन चाइना वाले कहते हैं ना कुछ भी बना देंगे 1800 तो भाई ये कोई रोबोट है ओ 360 का भी इन्होंने ब्रांडिंग करके रखा हुआ फल का ये वाला भी डिस्प्ले एक कैसा पावर बैंक यार 20,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं तो ये सारा डिस्प्ले में लगा के रखा हुआ तो आईफोन वगैरह भाई ये देखिए आपका स्वागत डिलीवरी वगैरह के लिए यूज होगा क्या भाई का फोन भाई काफी ज्यादा यूज होता है DJI मिनी 4 प्रो दूरबीन ट्राईपॉड है सेल्फी स्टिक्स है ये जो इनका वॉकी टॉकी है घड़ी के जो शौकीन है ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है लॉजिक चप्पल है चप्पल में इन्होंने पियानो सिस्टम बना दिया 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और के 180 युआन ओके 160 निकॉन कैनन सोनी ये भी स्पीकर है भाई सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यू वांट टू से समथिंग निहा वेलकम टू इंडिया हैप्पी न्यू ईयर टू सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग फ्रॉम चाइना कंट्री एंड फ्यूचर सिटी ऑफ द वर्ल्ड सो गाइज अभी मैं हूँ इस वक्त दुनिया के सबसे हाईटेक सिटी सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सिटी इन चाइना एंड वर्ल्ड शेंजेन सिटी लास्ट का वीडियो आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस चाइना कंट्री का फर्स्ट इंप्रेशन और शेंजेन शहर का जो फर्स्ट व्यू था वो दिखाने की कोशिश की सो आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइस पूरे इस चाइना कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो इस शेंजेन शहर में है जिसको हुआंगबेई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या शेंजेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से जाना जाता है यार एक्चुअली देखा जाए ना तो चाइना कंट्री को लोग और उसके सामान को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करके देखते हैं बट रियलिटी में चाइना कंट्री ग्लोबल मार्केट की डिमांड उसकी परचेसिंग पावर एंड वहाँ पे रह रहे लोगों की जेब इन सबको ध्यान में रख के सामान बनाता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज के टाइम पे दुनिया का हर एक इंसान और हर एक कंट्री चाइना के इस मार्केट पे स्पेशली जो शेंजेन का मार्केट है और या पूरे चाइना कंट्री पे डिपेंडेंट हो चुका है यानी दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ और सबसे महंगी भी चीज़ आपको एक ही जगह पे अगर ढूंढनी है ना तो वो चाइना में आपको ज़रूर मिल जाएगी चाइना का जो मार्केट है सबसे बड़ा जहाँ से आई थिंक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को सप्लाई किया जाता है ना वो यार शेंजेन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है स्पेशली जहाँ पे आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ तो ये था मेरा होस्टिंग प्लेस आपको आई थिंक पिछले वीडियो में मैंने दिखाया और ये है गांजिया स्टेशन जो कि लाइन वन में पड़ता है तो यहाँ से सबसे पहले मैं मेट्रो बोर्ड करूँगा तो चलते हैं मेट्रो बोर्ड करते हैं और पहुँचते हैं डायरेक्ट मार्केट में सो वेलकम बैक वंस अगेन फ्रॉम बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन चाइना जिसको शेंजेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स बोलते हैं और ये देखिए सबसे पहले हुआई का शोरूम दिख गया मैकडी वगैरह है शाओमी का यहाँ पे दिख रहा है डेल और ये है HQ मार्ट जो काफ़ी बड़ा है और इसी के आगे है जेन प्लाजा सेज प्लाजा करके उसको बोलते हैं तो वो भी अब मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ हुआई में तो आई थिंक आपको मोस्टली फ़ोन बट आपको मैंने दिखाया था कि हुआई में आपको भाई यहाँ पे ये लोग कार वगैरह भी बेचते हैं और इधर मेट 60 प्रो प्लस जिसकी प्राइस है भाई आप देखिए 16 GB प्लस 512 GB और इधर 12 GB प्लस 256 GB चाइना में ये ना हुआई का फ़ोन भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है लोग इसके काफ़ी दीवाने हैं बाकी हुआई का लैपटॉप भी आता है भाई ये लैपटॉप वगैरह देखिए मेरा इसका आईपैड इंटेल का है तो अभी ये भाई साहब थे जो कि आई थिंक हुआई के शोरूम के बंदे थे उन्होंने बोला भाई कि अंदर आपको ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है फिर भी चलो मैं उनको थैंक यू बोल के बाहर आ गया हूँ तो अभी देखते हैं ऊपर चल के इस HQ मार्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा Xiaomi का तो मुझे यहाँ पे ब्रांडिंग लोगो दिख रहा है ऊपर कई फ्लोर हैं तो ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे ना सारी अलग अलग बिल्डिंग उन बिल्डिंगों में अलग अलग स्टोर्स के आपको बड़े बड़े जितने भी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक के आपको कंपोनेंट्स और एसी सीरीज सामान वगैरह भाई यहाँ पे मिलने वाला है तो इस तरह से आपको यहाँ पे कई ढेर सारे मॉल मिलने वाले हैं भाई ओ भाई घुसते ही सबसे पहले तो हमें भाई साहब म्यूजिक वगैरह बजा रहे हैं आई थिंक ये पियानो वगैरह है जो ये प्ले कर रहे हैं तो ड्रोन दिख गया सबसे पहले इसमें नेहा ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक ड्रम है भाई ये बजाने वाला भी है ओ
देखा भाई, कैन आई प्ले ब्रदर? ओके ओके, ये देखो भाई। ओ भाई यूनिक है ना, बहुत ही सॉफ्ट टोन आ रही है, मतलब एकदम हल्का हल्का आएगा। ब्रदर यू स्पीक इंग्लिश? नो, बट यू सेड नो। हाँ, तो ये कुछ ड्रोन वगैरह हैं आई थिंक। दिस वन इज चीपर वन। ओ थैंक यू, दिस विल फ्लाई फॉर श्योर राइट? तो ये भाई, बट ये काफ़ी हल्का है यार। एंड हाउ मच इज द प्राइस फॉर दिस? 188। ओके, तो भाई ये मोहतरमा है जो अराउंड 188 युआन का बता रही है। एंड दिस वन एक्सपेंसिव, हाउ मच? 1800। ये वाला जो है ये है 1800 युआन का ड्रोन। भाई काफ़ी है, उड़ाना हो तो उड़ा भी सकते हैं, अच्छा है। बट यार इसकी जो क्वालिटी मुझे सुन नहीं आ रही है, काफ़ी हल्का। Oh yaar, but she was playing good, you were playing best, I'm average. No, you are better than me. इस बोर्ड को इन्होंने इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से देखिए कनेक्ट किया हुआ है, वायर है, USB टाइप का है ये हिसाब किताब। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ओ ये तो घरों में सजाने के लिए, ये देखिए ये पूरा लैंप है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लैंप हैं। अब ये मार्केट कितना बड़ा है आप देखो। खैर ये तो अभी छोटा है और काफ़ी दुकानें यहाँ पे अभी बंद हैं, क्योंकि इनका जो मैंने आपको बताया ना न्यू ईयर की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे बंद करके चले गए हैं। फिर भी देखते हैं, कुछ और दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। ओ पावर बैंक, दिस पावर बैंक। ओ तो भाई ये कैसा पावर बैंक यार, इसको बाहर से देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि है क्या। ये देखिए आईफोन वाला भी स्लॉट है और इधर टाइप सी है, इसमें इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा ये रहा इसका चार्जर। प्राइस हाउ मच? दिस 129 युआन। तो भाई ये 129 युआन का मिल रहा है पावर बैंक। ये भी देखो, ये भी काफ़ी यूनिक पावर बैंक है। ये आप देखो ये सारे पावर है, ये 119 युआन का है आई थिंक। इसका कलर भी अच्छा है और ये चार्ज करने का भी तरीका है। 10,000 mAh का जो पावर बैंक है, ये वाला तो 119 युआन का ये बता रही। खैर यहाँ पे मुझे पता है कि आपको अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये 99 युआन का है ये भी, तो छोटे छोटे हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है वैसे। और ये वाला है 10,000, ये भी mAh। हाँ ये सारे स्टैंड रखने के लिए, हाँ चार्जर है, ये कार वगैरह में लगाने के लिए है आई थिंक। गाना बज रहा है यहाँ पे तो। अच्छा ये माइक वाला है, ये इससे गाना वाना हम गा सकते हैं। भाई ये क्या आइटम है, इसमें पानी नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है लॉजिक। आई थिंक पानी नीचे जा रहा है और उससे स्टीम हो रहा है। अब ये घर में आई थिंक लगाने के लिए कुछ सिस्टम है। तो ये सारा डिस्प्ले में लगा के रखा हुआ है, तो आईफोन वगैरह भाई ये देखिए यहाँ पे ये लोग ऐसे बेच रहे हैं। अगर आपको न्यू पीस चाहिए तो वो वहाँ से ला के आपको देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना में सस्ता है और कुछ लोग बोलते हैं हांगकांग में सस्ता है। मेरा अगर आप एक्सपीरियंस पूछेंगे हांगकांग में क्यों गया हुआ था, तो उसका एक रीज़न ये है आईफोन लेने के लिए। आईफोन सबसे सस्ता अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर है तो वो है हांगकांग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लगता। ओ भाई आई थिंक इस शॉप पर तो सारी कंट्री का नहीं। हाँ वेयर इज इंडिया कंट्री फ्लैग? फ्लैग फ्लैग माई कंट्री फ्लैग। ओ दिख गया, दिख गया भाई इंडिया कंट्री का फ्लैग दिख गया, देखा मैंने ढूंढ लिया। तो इंडिया कंट्री का फ्लैग मिल जाए तो क्या बात है ना। ये मामा की शॉप है, ये देखिए तो माइक है, कैरोकी वगैरह जिसको पसंद है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये, और काफ़ी क्यूट है ना। ये देखो कितना बढ़िया आइटम लग रहा है ये, है 180 युआन बता रही मामा इसका, छोटे वाले का। हाँ हाँ टू। तो ये आप देखो, मैं तो बजाता नहीं हूँ बट आप अगर अपने फैमिली बच्चों शी तो आप उनको लाते हैं तो उनके लिए आप ये ले जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मामा आई थिंक जस्ट अभी आई हैं तो अपनी ये दुकानें लगा रही हैं। घड़ी देखो, ये सारी घड़ियाँ वगैरह भी हैं, ये सारी अलग अलग घड़ियाँ हैं, ये देखो सब मामा भी डिस्प्ले में लगाएंगे यहाँ पे सारी।
And this one, how much? Which one? Anyone. You want to which one? This one? This one? 230 yuan. 230 yuan? Yeah. So 230 yuan ki bhai ye gadi de rahe hain. Ab ye smart watch hai ye bhi. ये सारी स्मार्ट वॉच है, ये देखो। कुछ लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉपी भी रखते हैं, कुछ लोग सेकंड कॉपी भी रखते हैं, अलग अलग है मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। और यहाँ पे चाइना का मतलब बल्क परचेसिंग, मास परचेसिंग। अच्छा, ये फास्ट चार्जिंग है, ये देखिए। अगर आपको चार्ज करना है मोबाइल, आप इस पर रखो, फट से चार्ज हो जाएगा यहाँ पे फटाफट। भाई एक से एक आइटम है यहाँ पे यार, मतलब ऐसे ऐसे आइटम तो हमने देखे भी नहीं होंगे जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं। घड़ी के जो शौकीन हैं उनके लिए तो अलग अलग घड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे। दिस फोन और ट्रांसलेशन लाइक यू स्पीक इंग्लिश इंग्लिश हिंदी नो Hindi. India, Hindi. Yes, have. Now I speak Hindi, you listen Chinese. Yeah. 你好，欢迎你来到深圳。Where are you from? Hello, 아프 신전에 아프가 스와갓 해. 아프 신전에 아프가 스와갓. You speak Hindi. 슈크리아, 단니와드. 아프가 보헛 보헛 단니와드. 인도. 야, 인도. Okay. India. 매 차이나 매 아프 로고 세 밀레 아야 훔. शी भाई ये देखो यार। अच्छा एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था ना, जैसे पहले मोटोरोला या नोकिया ने फोन स्टार्ट किया हुआ था छोटा सा ना, वो ये नहीं है। ये है एक्चुअली ट्रांसलेटर, मोबाइल में जैसे हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं, बट ये डायरेक्ट है। इसे नेटवर्किंग अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। ओ मतलब आप सोचिए, बोलिए, अब ये चाइनीज में बोल रही हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये आई थिंक चार्ज होता है, स्पीकर लगा हुआ है। ओ इनकी कीमत 350 आरएमबी, तो ये 350 युआन का है भाई एक ट्रांसलेटर। चार्ज एक बार 6 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ओ नाइस सी। आप ऑनलाइन 17 देशों की भाषा, आप ऑफलाइन 17 देशों की भाषा का अनुवाद कर सकते हैं, मीन 17 कंट्रीज में आप एक बार में आप सोचो ट्रांसलेट कर सकते हो। और ओनली चार्ज, ओनली प्लग लाइक अ फोन। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से बात करूंगा, मैं इसे चार्ज कर सकता हूं, मुझे सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं है और मुझे नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। आप समझा, मीन्स ये एक सिर्फ ट्रांसलेटर है। नेहा How are you? Oh, I'm good. How about you? you are from Shenzhen? small. From Shanxi. Okay, कोई बात नहीं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि बात करने के ट्राई कर रहे हैं। बट शीशी हाँ, यू वॉन्ट टू से समथिंग? निहा, वेलकम टू इंडिया, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू। तो यार लोग मुझसे मजे ले रहे हैं, मैं भी लोगों से मजे ले रहा हूँ। हेलो। आज मॉल में आपको इलेक्ट्रिक गैजेट्स दिखाऊं, लोगों की जो स्माइल है ना, लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो जरूर दिखाऊंगा। चीनी लोग आपको बहुत उत्साहित स्वागत करते हैं। या शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शीशी हाँ, नाइस टू मीट यू, हैव अ गुड डे। या यू टू, टेक केयर। तो यहाँ पे ना आप नोटिस करना कि लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं काम करने वाली, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होती हैं। अरे भाई ये टेलीस्कोप वगैरह है क्या? नहीं, ये सारे लैंप हैं, ये देखिए। इधर तो दूरबीन, चश्मा, ये सारा आइटम रखा हुआ है। ओह जेबीएल होलसेल एंड रिटेल, देखिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि सारा आइटम जितना है आपको होलसेल और रिटेल बल्क परचेसिंग अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है। अब देखिए ये सारे जैसे JBL के ए प्रोडक्ट हैं सारे भाई, CCTV कैमरे वगैरह हैं क्या? तो ये यहाँ पे भाई एयरपॉड वगैरह मिल रहा है, सैमसंग का है, होम्बी का है, अलग अलग ब्रांड के हैं यहाँ पे। ये सैमसंग वाला छोटा सा है,
ये क्या चीज़ है यार, ये भी स्पीकर है क्या कोई? ये JBL के स्पीकर्स हैं, ये आप देखो, ये भी JBL का है। इसका मैं प्राइस पूछता हूँ कितने का है, ये क्यूट है, छोटा सा है, ये भी G03। ये एसर का है, नहीं हाँ दिस ये वैल्यू है, ये वैल्यू 160, ओके। अरे भाई ये क्या, ये तो वॉकी टॉकी मिल गया यार, नहीं हाँ ये जो इनका वॉकी टॉकी है, ये बता रहे हैं 90 yuan का है, ये 3 kilometers तक इसका रेंज जा सकता है भाई। और ये वाला जो है 145 yuan, ये हार्ड ड्राइव वगैरह ये सारे, ये आप देखो फ्लैशेस हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह मिल रहा है, 126 64 GB का है, 128 GB है। और भाई साहब बोल रहे थे कि आपको खरीदना है तो ही प्राइस पूछो, वरना ऐसे मत पूछना। तो भाई थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं है, अगर ज़्यादा पूछोगे तो फिर अभी पकड़ के वो कुछ बोले नहीं। बाकी आई थिंक ये लैंप वगैरह है यहाँ पे, तो ये तो बच्चे के खिलौने हैं, ये देखिए फोर चैनल्स इंजीनियरिंग ट्रक। भाई यहाँ पे भी देखिए लोग पियानो वगैरह बजा रहे हैं, देखो भाई ये तो आई थिंक डिलीवरी वगैरह के लिए यूज होगा क्या, इसको तो पूरा हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जैसा उन्होंने बना दिया हुआ है। AEC U भाई काफ़ी प्राइस भी इसका अच्छा होगा, इसका बॉडी वगैरह भी देखिए काफ़ी ज़्यादा ये हैवी भी लग रहा है। बाकी ये सारे इसके पैडल हैं, ये भी ड्रोन इसका देखिए अलग क्वालिटी का है, ये देखो दूरबीन भाई, ये भी दूरबीन वगैरह है। ओ नहीं हाँ किने कम, ओ शीशी Insta360 राइट, या Insta360 दिस वन राइट। ओ तो यार ये देखिए यहाँ पे Insta360 का भी इन्होंने ब्रांडिंग करके रखा हुआ है। ओ 3288 yuan का Insta360S, ओ दिस वन है, दिस वन इज न्यू 360S Pro, ओके ओके। DJI Mini 3 Pro है, 249 gram है ये, मैं इसको एक्चुअली सोच रहा था लेने के लिए, देखता हूँ यहाँ पे प्राइस कितना है, 4199 yuan। ये क्या आइटम है यार, ये रोबोट है क्या है, दिस वर्क लॉपा रोटेट, दिस कैन ओनली चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज स्पीक, ये तो भाई ये कोई रोबोट है जो सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में बोलता है। नहीं हाँ ब्रदर, दिस स्पीक और व्हाट, लॉपा सर ओनली चाइनीज नो इंग्लिश, नो ओनली चाइनीज स्पीक, नो इंग्लिश। शॉप पे तो काफ़ी यूनिक आइटम्स आपको दिखाता हूँ मैं, सारी दुनिया का शेयर करना है एक साथ। अब ये आइटम आप देखिए 699 yuan का है भाई, टेलीस्कोप देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये सारे आइटम इतने बड़े बड़े औजार यहाँ पे रखे हुए हैं भाई साहब। दूरबीन ये तो काफ़ी बड़ा है, अब ये सब ब्रांड ये देखो वीवो ब्रांड का है भाई। ये देखिए चाइना वाले कहते हैं ना कुछ भी बना देंगे, ये भी रोबोट देखिए। अब ये एक्चुअली अभी तो सब बंद है, इसका LED काम भी नहीं कर रहा है, वरना मैं इससे कुछ बुलवाता। तो बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियां हैं ये देखो, सारी अलग अलग BMW से लेकर मर्सिडीज तक भाई, हेलीकॉप्टर तक इन्होंने बना के रखा हुआ, ये साइकिलें हैं छोटी छोटी बच्चों की। This? Ah. Car, racing.
for small kids. And price, how much price? 3,500 RMB. 3,500? Yes. Okay, so 3,500 RMB ka ye bata rahe hain, ye cycle hai. ये अब जो ड्रोन देखिए Mavic 3 Classic DJI का ही है, यहाँ पे भी DJI Mavic 3 Classic, DJI Mavic 3 Pro, ये है वो सबसे लेटेस्ट आई थिंक ड्रोन गाइस, DJI Mavic 3 Pro 13,888 yuan, DJI Osmo Pocket 3 जो है वो कॉम्बो के साथ अगर आपको चाहिए तो 4,499 में, गिम्बल वगैरह भी ये देखिए सारे हैं, Osmo Mobile 6 899 का है, DJI Mini 4 Pro और स्टार्टिंग प्राइस है 4,788 से। ओ माई गॉड गाइज, ये क्या है ब्रदर? इंग्लिश। ओ इंग्लिश, ओके ओके ओके। भाई ये है क्या चीज, इतना बड़ा ड्रोन, वो भी रोबोटिक है, ये आप देखिए रोबोटिक ड्रोन पूरा ऑटोमेटिक फुली, वेट 7.5 किलोग्राम है इसका, फिट्स इन, फ्लाइट टाइम जो है 126 मिनट तक ये चलेगा, वीडियो ट्रांसमिशन रेंज जो है वो 18.6 माइल है, आई थिंक अब तक ब्रांड का नाम है आई थिंक ओटेल टाइटन, मेरी लाइफ का अब तक का सबसे हाईटेक रोबोटिक ड्रोन मैंने अभी जाके देखा है गाइस, ये अब मुझे समझ में आया कि आखिर इसको दुनिया का सबसे हाईटेक शहर सेंजन को क्यों बुलाता है, और एडवांस लेवल पर ये देखिए ड्रोन है पूरा। वॉट इज़ द प्राइस आई वॉन्ट टू नो? RMB 5 lakh RMB, yeah, yeah. This one, yeah. Oh my god guys, 5 lakh yuan का ये ड्रोन आपके सामने है, 5 lakh yuan को आप कैलकुलेट करिए कितना होता है INR में, यानी 5 lakh को आप 11.68 से मल्टीप्लाई करिएगा, उतने अमाउंट का इस वक्त आप चाइना कंट्री के शेंजन शहर के सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ये आप ड्रोन देख रहे हो। आई थिंक इस तरह का ड्रोन आपने देखा है, अगर देखा है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओ, वो है ये सारे देखिए स्पीकर्स वगैरह हैं अलग अलग, ये सारा स्पीकर्स है अलग अलग ब्रांड का है, ये भी स्पीकर है भाई, स्पीकर भी अलग अलग वैरायटी है, कोई गाने वाला है, कोई बजाने वाला है, कोई सुनने वाला है, एप्पल का एयरपॉड यहाँ पे मिल रहा है भाई, सारे अलग अलग हैं, प्राइस तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एप्पल की वॉचेस, एप्पल का एयरपॉड, ये सारा कुछ भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि इस मार्केट में आपको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कोई ऐसा ब्रांड नहीं, चाहे वो DJI हो, चाहे वो एप्पल हो, या और भी जितने हाई लेवल के ब्रांड है ना, उन सब के घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गैजेट्स में जितने भी आप सोच सकते हो सारे यहाँ पे भाई मौजूद हैं। देखिए इन सारी शॉपों पे आप देखिए सिर्फ लड़कियाँ नज़र आ रही होंगी, काफ़ी कम एज की, तो लड़कियाँ यहाँ पे काफ़ी मेहनती होती हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा वो मेहनत करती हैं, हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ हैं, जेंट्स भी हैं, बट मोस्टली लेडीज़ आपको ज़्यादा दिखेंगी इस मार्केट के अंदर। ये सिर्फ इनका छोटा सा डिस्प्ले सेगमेंट है, यानी सिर्फ डिस्प्ले के लिए उन्होंने रखा हुआ है, जो इनका मेन वेयर हाउस है वो कहीं और है गाइस। ओ ये है माइक यार, ये कुछ काम की चीज़ दिखी, तो ये सारे देखो, ये ट्रांजिस्टर है, क्या है, ट्राईपॉड है, सेल्फी स्टिक्स है, लाइटिंग वगैरह के लिए नहीं, हाँ ये सारा है, और ये सारे देखिए माइक, ये सारे डेस्क माइक हैं। तो चाइना में एक्चुअली भाई टिकटॉक के इतने दीवाने हैं ना, यहाँ पे इतने इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत यहाँ पे भाई गैजेट्स की डिमांड है, हमें लगता था कि सिर्फ चाइना से लोग बाहर भेजते हैं सामान, और बाहर के दुनिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा सामान खरीदते हैं इस तरह के, पर चाइना में आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि चाइना के लोग कहीं ज़्यादा दीवाने हैं मोबाइल, वीडियो, फ़ोटोज़, गेम्स, इन सब चीज़ों को लेके, तो उस वजह से जो चाइना का मार्केट है खुद का उनका, उनके प्रोडक्ट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा है। ओ माई गॉड ये क्या है गाइस, ये चप्पल है, चप्पल में इन्होंने पियानो सिस्टम बना दिया हुआ, इसको भी चार्ज कर रहे हैं, ये देखिए इसको चार्ज किया जाता है, ये इसका चार्जर है, कंट्रोलर है, तो यानी चप्पल जो आप पहन रहे हो वो इस कंट्रोलर से चलेगा, बटन दबाओगे तो चलेगा, अभी तो बटन बंद है, इसमें मैनुअल सारा सेटिंग दिया हुआ है। तो अभी इस HQ मार्केट के थर्ड फ्लोर पे मैं आ गया हूँ, और आप देखते हैं इस थर्ड फ्लोर पे क्या है। तो आते ही भाई ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह से बड़े बड़े तो दूरबीन लगे हुए हैं, तो आई थिंक ये सारे बड़े बड़े जो टेलीस्कोप वगैरह है ना वो सब यहाँ पे रखा हुआ है सारा। ओ माय गॉड, नहीं आओ,
ओह ये अच्छा था यार, ये हमारे काम की चीज़ है। ये देखिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए सेल्फी स्टिक्स, ये सारे स्टैंड्स हैं, देखो ट्राईपॉड वगैरह सब एक से एक ट्राईपॉड है भाई। अभी ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये पूरा कैमरे का है। अच्छा ये वाला जो एरिया है ना, ये गैजेट से भरा पड़ा है, सारे अलग अलग कैमरे हैं भाई। लुमिक्स का है इधर, ओ माय गॉड भाई, निकॉन, कैनन, सोनी, जो भी आपके पास कैमरा है उन सबका लेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सारे आई थिंक फर्स्ट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओ थैंक यू थैंक यू। तो ये सारे आप देखो बड़े बड़े सारे कैमरे, हाँ उन सबका लेंस यहाँ पे रखा, मॉडल नंबर सबका अलग अलग है बट है ये तो। एंड आपको अगर चाहिए आई थिंक यहाँ पे रिपेयर भी हो जाता है, बट मोस्टली ये सारा भाई बल्क में है, सेलिंग के लिए है सारे के सारे आइटम यहाँ पे जितने आप देख रहे हो। ओह भाई यहाँ पे भी देखिए लैपटॉप वगैरह मिल रहा है, तो ये तो सारे अलग अलग है। यहाँ पर भाई मैकबुक और हर अलग अलग ब्रांड के, डेल का भी है, एसर का है, लिनोवो का है, ये देखिए थिंक पैड, ये आई थिंक इंटेल i5 वाले सारे हैं। ब्रदर दिस ऑल न्यू और सेकेंड हैंड? सेकेंड हैंड। यहाँ पे तीनों काम एक साथ होता है, यानी ये लोग बनाते भी हैं, बेचते भी हैं और रीसेल भी करते हैं, मतलब आपको लाके यहाँ पे बेचना है तो भी ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सारे अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग लैपटॉप्स हैं, चाहे एप्पल का हो, अलग अलग हुआई वगैरह का। ये देखिए एप्पल का ये वाला भी डिस्प्ले इनके पास पड़ा हुआ है सारा, बाकी ये पीछे तो पूरा स्टॉक ही इनके पास पूरा पड़ा हुआ है अगर आप चाहिए। अच्छा इधर तो सिर्फ लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये वाले सारे आइटम्स हैं यहाँ पर एक लाइन से। यहाँ पे केस वगैरह भी है आई थिंक, अगर आपको कवर चाहिए तो कवर भी मिल जाएगा। आईफोन वगैरह तो इस तरह से यहाँ पे डिब्बे में पड़े रहते हैं, यहाँ पे मतलब कहीं भी आप जाओ लोग आपको आईफोन बेचते हुए दिख जाएंगे। तो ये मुझे दिखा था यार 4K 180 युआन, ओके सी। तो ये आप देखिए भाई, ये कैमरा मुझे डिस्प्ले में दिखा, अब ये एक गोप्रो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इधर ये सामने उसके 4K अल्ट्रा HD लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स करके वाटर रेजिस्टेंस कैमरा ये बता रहे हैं, 180 युआन में 16 मेगापिक्सल है, 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करेगा और वाईफाई वगैरह है, तो अच्छा है बट काफ़ी लाइट है। ये सारे कैमरेज हैं छोटे छोटे, सारे एक्शन कैमरे हैं भाई, मतलब 150 से लेके 180-200 युआन तक में सारे ये स्पोर्ट्स कैमरे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी सामान यहाँ पे सस्ता मिलता है, कुछ सामान यहाँ पे आपको महंगे भी मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सामान कहाँ से ले रहे हैं। तो यार ये था भाई HQ मार्केट का टूर, काफ़ी बड़ा मार्केट है, अंदर तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको एक्सप्लोर करने के लिए। मोस्टली जो मैंने सामान वहाँ पे देखा, आपने नोटिस किया होगा, कैमरा, कंप्यूटर, गैजेट्स, घड़ियाँ, फ़ोन, ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। नीचे ये Xiaomi का भी देखिए शोरूम है, और कॉफ़ी वगैरह अगर आपको पीना है तो ये सारा भी नीचे है, और बैंक वगैरह ये सामने देखिए, इनका 80 GB का ATM भी आपको मिल जाएगा। और ये जो भाई गाड़ियों पे बैठे हैं ना, ये इनके डिलीवरी बॉय जो खाना वगैरह डिलीवरी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जोमेटो स्विगी है ना, वैसे इनके यहाँ का ये कोई एप्लीकेशन है जो रेस्टोरेंट से अटैच होता है, और ऑर्डर आने पर ये लोग फटाक से जाके खाना वगैरह को डिलीवर कर देते हैं। ये तो था यार सिर्फ एक मॉल, इस तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा बड़े बड़े मार्केट हैं अराउंड 70 फ्लोर के। जैसे ये जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, इसको सेज प्लाजा करके बोलते हैं, जो आई थिंक पूरे सेंजन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग बोला जाता है। दुनिया भर से लोग सिर्फ चाइना के सेंजन के इस स्पेसिफिकली मार्केट में आते हैं, जहाँ से वो बल्क में परचेसिंग करते हैं। सो लिनोवो, HP, डेल, हुआई, ये सारे ब्रांड भाई इस आपको स्ट्रीट पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली पूरा टेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये कोई नॉर्मल पार्क नहीं है, ये फुल ऑफ गैजेट्स और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से भरा हुआ पार्क है। और ये जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं गाइज, ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये सारी टेक बिल्डिंग्स हैं। सामने एप्पल का शोरूम भी देखिए दिख गया है यहाँ पे, सेंजन इंटरनेशनल LED ट्रेडिंग सेंटर सामने लिखा हुआ है। मोबाइल के केस कवर, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर्ड ग्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगवाने के लिए आते हैं। कोई भी ब्रांड का मोबाइल हो आप लेके आइए, सारा यहाँ पे भाई रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा, और लोग बेचते भी हैं। ओप्पो, वीवो, हुआई, इन सब का भाई केस यहाँ पे मिल जाएगा।
तो मेरा बैड लक कि ये जो सेज प्लाजा वाली बिल्डिंग है ना, इसके अंदर आप सोचिए 70 फ्लोर मैंने आपको बोला और बंद है क्योंकि न्यू ईयर है। तो सामने देखिए आसुस का स्मार्ट होम, वो भी बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ हुआई वाला शोरूम खुला हुआ है। बाकी ऊपर तक मैं आपको ले जाना चाह रहा था बट ये बंद है। मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 20,000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं और इन 20,000 दुकानों में ऑलमोस्ट 2,00,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये संजन शहर आज से 40 साल पहले एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था बट आज के टाइम पे दुनिया का और पूरे चाइना कंट्री का सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक और टेक हब बन चुका है। आप सोचिए इसकी जो ग्रोथ रेट है ना, ऐसा बोला जाता है कि 50x टाइम्स ये ग्रो किया हुआ है 40 साल से लेके आज के टाइम तक। अगर कंपेयर करेंगे अराउंड 1,33,00,000 के आसपास की पॉपुलेशन होगी सिर्फ इस शहर की, बट 2020 की मैं बात करूँ तो 2.77 ट्रिलियन युआन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस शहर ने। तो आज से 4 साल पहले की बात है, 4 साल बाद 2024 में आप सोचिए कि इस सिटी का क्या रेवेन्यू होगा पूरे चाइना कंट्री के लिए। और चाइना का वन ऑफ द मेन फाइनेंस सेंटर बोला जाता है आफ्टर संघई। चाइना कंट्री की सारी टॉप आईटी कंपनियां और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो इस्टेब्लिश हुई हैं। वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी भी बोला जाता है शेंजन शहर पूरे चाइना कंट्री का, और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिटी चाइना कंट्री के लिए, जहाँ से ये सारे सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टेक्नोलॉजी में और गैजेट्स में तो ये नंबर वन सिटी बोली जाती है। दुनिया भर के लोग इस मार्केट में इन सब सामानों को खरीदने और बेचने के लिए यहाँ पे आते हैं। हर कोई भाई खरीद और बेच रहा है। आज तो आप सोचिए कि कितना अभी भीड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1-2% भी नहीं है, वरना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है। सिर्फ इस खंभे पे पोल पे कितने कैमरे स्टॉल हैं आप गिन नहीं सकते हो। फॉरेनर तो आपको ना के बराबर दिखेंगे आई थिंक, अभी तक जितने इस वीडियो में आज सुबह से लेकर शाम तक आपने नोटिस किया होगा शायद ही कोई दिखाओ, मोस्टली सिर्फ मैं ही यहाँ पे ऐसा फॉरेनर दिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीज़ों में जो चाइना नंबर वन हुआ है उसका सबसे एक तो मेन रीज़न है कि लो लेबर कॉस्ट है। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हाई नंबर पे है, ये यानी बल्क में सारी चीज़ बनाते हैं। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके यहाँ पे करप्शन बहुत कम है और गवर्नमेंट जो है इनकी वो लोकल यानी सेमी बिजनेस इंडस्ट्री और जो हायर बिजनेस कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करती है। टैक्स बेनिफिट वगैरह भी काफ़ी देती है इनकी गवर्नमेंट इन सारे लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाहर की कंपनियाँ हैं यानी इन्वेस्टर्स वो भी अच्छा खासा चाइना कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हैं गाइस जिसकी वजह से चाइना कंट्री कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। चाइना को लोग कुछ भी बोले, चाइना अपने आप में ही है, वो अपनी धुन में है और वो ऐसी ऐसी चीज़ बना रहा है जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। सो गाइस ये था मेरा आज के दिन का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस शेंजन के, दुनिया के बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, जो मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जाके जरूर शेयर करिए। लाइव स्टेटस के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही यार, अब मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूँ ही ट्रैवल करते रहिए पूरा एशिया, फिलहाल चाइना कंट्री। सी यू समवेयर ऑन द नेक्स्ट चाइना रोड एंड वीडियो। बाय बाय।